इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है जो कि एमबीए कराता है। वैसे तो इस कॉलेज में कोई कॉन्स नहीं है, बट स्पेशली स्टूडेंट एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसी कई सारी और चीजों के बारे में जानना चाहते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So hi, my name is Arshikan and you're watching MBA with Arshikan, and today we are going to talk about Department of Management Studies which is under Savitri Bhai Phule Pune University. 1971 ka ye college, it's a very old college. 414 acres mein ye spread hai Pune ke andar, right? MBA में MBA के लिए पुणे इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सिटी बाय स्टूडेंट्स। सेकेंडली बहुत सारे कोर्सेज कराता है, तो ऐसा नहीं है 414 एकड़ में उनका पूरा MBA डिपार्टमेंट है। इट्स ओवरऑल कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड NAAC अक्रेडिटेशन है, 5 कोर्सेज कराता है, राइट। उसके अलावा जो कॉलेज एवरेज पैकेज क्लेम करता है 7,60,000 का, हाइएस्ट पैकेज 18 लाख का है, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट है www.pumba.in। तो बस ये रैंकिंग है, तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। मैं स्किप करते हुए नेक्स्ट चीज पे जाऊंगी, दैट इज MBA। MBA कराता है, MBA इन फार्मा बायोटेक कराता है, एग्जीक्यूटिव MBA कराता है, राइट। उसके अलावा इसमें जो एडमिशन होता है, पहले फी स्ट्रक्चर देख लो, 65,000 इसके बीच में है, ये फी स्ट्रक्चर है, राइट, एक साल का, राइट, कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर है। तो इस कॉलेज की जो अच्छी चीज है, दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हु हैव दिस थिंग दैट आई वांट टू गो एंड डू माय MBA फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। सेकंड चीज उस कॉलेज की बहुत अच्छी है, दैट इज रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, राइट। फी स्ट्रक्चर बहुत कम है और ROI अच्छा है। नाउ व्हेन इट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, फी स्ट्रक्चर ऑन लोअर साइड है, तो यू कैन अप्लाई थ्रू CAT, यू कैन अप्लाई थ्रू CT, यू कैन अप्लाई थ्रू CMAT। आपको उसमें स्कोर लेकर आना है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। महाराष्ट्र की CAP काउंसलिंग होती है जो हर साल आती नहीं, बहुत ज्यादा आती, लेट रहती है। उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। 2 राउंड होते हैं, रजिस्ट्रेशन, देन वेरिफिकेशन, देन चॉइस फिलिंग एंड देन फाइनल अलॉटमेंट। उसके बेसिस पे ये कॉलेज कहीं ना कहीं मिलता है। ज्यादातर सीटें इस कॉलेज के अंदर जो है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है, भले वो OBC हो, भले वो SC ST हो, बहुत सारे वहां पे कैटेगरीज होते हैं और बहुत कम सीट्स, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स हार्डली 10% ऑफ सीट्स जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के पास रहती हैं, राइट। उसके अलावा प्लेसमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैं इस तरफ थोड़ा सा हो जाऊंगी। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, 6,74,000 का है, मतलब ना के बराबर की फीस के बाद अगर आपको 7 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज मिल रहा है तो जिंदगी में क्या चाहिए। देन उसके अलावा हाइएस्ट CTC अगर हम बात करें तो दैट इज 13,55,000 का, वेयर इज अगर आप टॉप 50% स्टूडेंट मिले से 180 स्टूडेंट्स हैं और आप यू नो 90 में आते हैं तो आपका एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 7.5 लाख का है। तो दैट इज समथिंग व्हेन इट कम्स टू यू नो पुंबा कॉलेज, राइट। ये सारी कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट लेके आती हैं, दैट इंक्लूड्स एक्सेंचर, बजाज फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट, कोलगेट पैल्मोलाइव, देन वी हैव फेडरल बैंक, वी हैव ICICI, गोदरेज, HDFC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, राइट। सो ये सारी कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट्स लेके आती हैं, दीज आर द टॉप रिक्रूटर्स। सो नाउ कमिंग बैक टू अ थिंग, दैट इज कट ऑफ, जो स्टूडेंट्स यूजुअली जानना चाहते हैं अच्छी फैकल्टीज हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बिकॉज यस गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप एकदम IITs और IIMs की तरह एक्सपोजर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपका ROI कंसर्न है, आपको ये कि डिसेंट फैकल्टीज होने चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको लिस्ट में रख सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट हो, आप महाराष्ट्र के बाहर के हो, तो इन दैट केस यू नीड टू हैव मिनिमम 99% टू गेट इन टू दिस कॉलेज। और उसके लिए आपको महाराष्ट्र सिटी में, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं स्कोर कर सकते हो, बिकॉज महाराष्ट्र सिटी का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली कैट से होना easier side होता है। तो जब वो CAT से on a easier side होता है तो आप अभी आपके पास बहुत plenty of time है, आप prepare करना start कर सकते हो, so that you can get into this college when it comes to Pune। महाराष्ट्र में it comes under top 5 colleges जो कि CAP के through आते हैं, students का preference होता है, तो आप भी अपने preference पर रख सकते हो। All in all it's a decent option। वैसे मैंने इस पर एक और वीडियो बनाई है जहां पर मैंने यहाँ के clubs के और दूसरी चीजों के बारे में बताया है, आप चाहो तो चैनल पर जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट पुंबा। वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वाचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।